माता रानी की कृपा हम सब भक्तों पर बनी रहे, इसी की हम कामना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में विधि विधान से माँ दुर्गा की उपासना एवं प्रार्थना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा उपासना में भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, जिनमें माँ अम्बे जी की महिमा का वर्णन विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती पाठ से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो आप सरल हिंदी में इस पाठ को पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले नवार्ण मंत्र, कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को साफ जगह पर लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद कुमकुम, चावल और फूल से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अपने माथे पर रोली लगाकर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। मान्यता है कि अगर 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का नियम पूर्वक पाठ किया जाए तो भगवती अति प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय माँ आनंदेश्वरी के बारे में है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अकेला और दुखी होकर जंगल में आता है। वह अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता और यह भी नहीं जानता कि उसके बच्चे सदाचारी हैं या दुराचारी। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ने से मानसिक और शारीरिक सुख मिलता है। वहीं दूसरा अध्याय कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में विजय दिलाता है। तीसरे अध्याय से शत्रु बाधा दूर होती है। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों के पथ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटब के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरे इस स्त्रोत का विधि पूर्वक पाठ किया जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महामत्य के शरण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भन्यकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भलीभांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अधर्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्म जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों की कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ित घोर बाधाओं से हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते।
महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्राह्मण में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वो सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती है तथा अभाव दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। इति दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, आपको श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, फेसबुक पर भी शेयर जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और आपका हर सपना सच हो। धन्यवाद।